पहला बंदा ही हो रहा भाई, बिल्कुल दिख नहीं रहा भाई आपको। पहला क्लॉक या 1 AM क्लॉक तक तो कोशिश है कि कम बैक हो जाए, वापस आ जाएंगे, बाकी देखते हैं। मेला बंदा ही हो रहा भाई, बिल्कुल दिख नहीं रहा भाई आपको तो देख जाए। आर्मी वाले सारे लोग जा रहे हैं, उनको शिफ्ट किया जा रहा है इधर से उधर। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक है, थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ेगा लगता है गाड़ी को मेरे को। भाई बहुत ट्रैफिक, मतलब स्लो डाउन तो करना पड़ता है मॉर्निंग का टाइम में, तो मॉर्निंग टाइम में तो ट्रैफिक होना बनता ही बनता है, मॉर्निंग टाइम में तो ट्रैफिक रहता ही रहता है। मुझे बहुत खुशी है HSB सर के लिए कि उनका चैनल ब्लू टिक हो गया है, मतलब यूट्यूब चैनल तो था ही ब्लू एक बट प्लस वो अब वो एक ब्रांड प्रमोशन करने के लिए इंस्टा पे लग चुके हैं। उनने भी बहुत मेहनत करी है, उनने भी बहुत मतलब कोशिश मेहनत करी है, स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल करने के बाद आज वो बहुत स्ट्रगल करने के बाद वो इस लेवल पर पहुँचे हैं, क्योंकि उनने स्टार्टिंग जो करी थी ब्लॉगिंग जब स्टार्ट ही अपना करियर जब ब्लॉगिंग ब्लॉग में मोटर ब्लॉग्स में स्टार्ट किया था, तब उनका करियर एक 220 ब्लू कलर की पल्सर से था, 220 ब्लू कलर की पल्सर से उन्होंने स्टार्ट किया था अपना करियर। और उसके बाद वो देखते 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 बहुत उन्होंने स्ट्रगल किया, तब जाके वो इस लेवल पे इस मुकाम पे पहुंच पाए। फैमिली बैकग्राउंड उनका ठीक है, बट उन्होंने कोई फैमिली से सपोर्ट नहीं लिया, जो भी है उन्होंने अपने दम पे किया। मुझे बहुत खुशी होती है कि उन्होंने जो भी चीज़ करी है वो अपने दम पे करी है, हर चीज़ अपने दम पे करते हुए हैं। अपने दम पे ही करना चाहिए, क्योंकि अपने दम पे करने में एक अलग ही मज़ा है ना, फैमिली बैकग्राउंड के दम पे तो हर कोई इंसान कर लेता है। अभी हम लोग आ गए हैं नारायणा, नारायणा आ गए हैं अभी, बस रजौरी पहुंचने ही वाले हैं हम अपने ऑफिस। आई थिंक सो कि जल्दी पहुंच जाएंगे हम बहुत, क्योंकि मतलब मैंने गाड़ी ज़्यादा ही तेज भगा दी है इसलिए। अरे यार कम से कम गलियां ठीक नहीं करा सकते गवर्नमेंट, यहाँ रोड तो है भी ठीक करा दो, क्योंकि गाड़ियां तेज चलती हैं, अगर कोई भी गिरा पलटा तो बहुत चोट लगेगी उस बेचारे के। डू यू अंडरस्टैंड गवर्नमेंट, तो देखो। और ये कट तो बहुत डेंजरस है, यहाँ तो बहुत लोग एक्सीडेंट्स वगैरह मैंने देखे होते हैं बहुत। मैं भी पहले गुड़गांव जब ऑफिस में जॉब करता था वहाँ से आता जाता था, तो इसी रूट से आता जाता था, और मोस्टली मैंने एक्सीडेंट देखे हैं, बहुत लोगों के एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे, बहुत लोग भिड़ते हैं। मतलब क्या है कि गाड़ी यहाँ चलाएंगे और आना उनको इधर होगा, तो मतलब आते आते पीछे से कोई गाड़ी आ रही होती है तो उतने में वो ठुक जाती है। यही होता है और कुछ नहीं, हमारी गाड़ी की स्पीड भी ठीक है तो होनी चाहिए। वो देखो अंकल अपनी स्कूटी में कचरा लेके जा रहे हैं, थोड़ा सा मतलब पन्नी उनकी गाड़ी पे चिपक गई है। मेरे राइडर बड़ी मस्त गाड़ी है यार, मैंने अपने फादर साहब ने ली है, मेरे फादर साहब ने, तो मतलब बढ़िया गाड़ी है, मस्त चलती है यार, मैंने भी खूब चलाई है, मतलब चलाई क्या मिल जाती, कभी कभी देते नहीं है मतलब दे देते हैं, कभी मना नहीं करते मेरे को गाड़ी के लिए, मैं जब भी मांगता हूँ मेरे को बाइक को दे देते हैं, तो पीछे आता मेरा कोई, मैं जब भी मांगता हूँ मिल जाती है मेरे को, तो मैं अपना चलाता हूँ उसको, तो बहुत बढ़िया भागती है, चलने के मामले में हल्की भी है प्लस भागने में भी बढ़िया है। तो हाँ डिसाइडमेंट मैं एक आप लोगों से ऑप्शन पूछा था, कमेंट करके मुझे बताना
कि हम लोग जो अभी खाटू श्याम पे जा रहे हैं इस मंथ लास्ट में, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या कहते हैं हम कौन सी गाड़ी लेके जाएं, मतलब ये जो मेरी ब्लैकी है वो लेके जाएं, फिर राइडर लेके जाएं पापा वाली, जो उनसी आप लोग सजेस्ट करोगे हम वो गाड़ी लेके जाएंगे। अगर आप बोलोगे कि नहीं भाई आप याली बाइक लेके जाओ, अपनी ब्लैकी को लेके जाओ, तो ब्लैकी लेके जाएंगे। अगर आप कहोगे कि अपनी ये लेके जाओ, क्या नाम है अपने फादर साहब की नई बाइक है, एक बार उनको भी घुमा के लाओ वहाँ पे खाटू श्याम। मतलब सोचा तो मैंने भी यही है कि एक बार इसको भी खाटू श्याम घुमा के ले आएँ। ये तो दो राउंड लगा चुकी है ऑलरेडी, दो बार घूम चुकी है, तो मथुरा भी जा चुकी है तो दो बार, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको भी एक बार क्या कहते हैं ले जाया जाए। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, कोशिश तो ये है ले जाने की, बट देखते हैं आगे जो भी फाइनली डिसीजन होगा वही देखी जाएगी, वही होगा। तो अभी हमारा ऑफिस आ चुका है, हम अपने ऑफिस पहुंच गए हैं, तो चलो ब्लॉग यहीं पे ख़त्म, बाय बाय।